बहुत सी गलतियां आपने की होगी जिसकी वजह से आप सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप आप ले रहे हो। तो आपके बीते हुए कल में क्या हुआ ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो आप रीज़न क्या बताओगे कि मेरा बैकलॉग हो गया था? उसको बैकलॉग नहीं कहते बेटा, उसको बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। वो पड़ोसी असल में आपके माँ बाप और आपके हालात पे हंसी उड़ाते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, आपको नीचा दिखाते हुए चला जाता होगा। जब भी टेस्ट आएगा, जब नीट का पेपर आएगा, आप क्या बोलोगे कि मैं नीट का सिलेबस नहीं कवर कर पाया क्योंकि मेरा बैकलॉग हो गया था? क्या आप ये बोल पाओगे? जब नीट का पेपर आएगा, नीट 2024 आपको देना है ना सबको, जब नीट का पेपर आएगा तो क्या बोलोगे कि मेरा पूरे साल का बैकलॉग है? नहीं, उसको बैकलॉग नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे मैं पढ़ नहीं पाया इस साल। बहुत बड़ा अंतर है दोनों चीज़ों के बीच में। अभी आपका नीट का पेपर होगा 2024 का और आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो आप रीज़न क्या बताओगे कि मेरा बैकलॉग हो गया था? उसको बैकलॉग नहीं कहते बेटा, उसको बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया पूरा, मैंने शायद उतना समय नहीं दिया जितना रिक्वायर्ड था नीट की तैयारी के लिए, जो हो सकता हो कुछ और बच्चों ने दिया हो और वो सिलेक्ट हो गए हो। आपको पता है ना कि आपने बहुत सी गलतियां की, इसीलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ड्रॉप पे आप आ गए हो, है ना? बहुत सी गलतियां आपने की होगी जिसकी वजह से आप सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप आप ले रहे हो। उन गलतियों के बोझ से खुद को मुक्त करो। जब तक आप अपने कल को नहीं भूलोगे, आपका कल आपको नहीं भूलेगा। जब तक आप अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ाओगे, आपके अतीत के दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा। आपका पिछले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पिछले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सारा जो बोझ है ना, ये सारा जो दर्द है, जो बोझ है, ये एकदम सीने पे लगने लगा होगा। जब माता पिता सुबह शाम देखते होंगे इस साल क्या कर रहा है बेटा, जब अड़ोस पड़ोस वाले पूछते होंगे आपके माता पिता से कि इस साल आपकी बेटी, इस साल आपका बेटा क्या कर रहा है, नीट के लिए तैयारी कर रहा है, पड़ोसी क्या बोलता होगा, पिछले साल क्या कर रहा था, नीट के लिए तैयारी, और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी, और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी, और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल देके चला जाता होगा। वो पड़ोसी असल में आपके माँ बाप और आपके हालात पे हंसी उड़ाते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, आपको नीचा दिखाते हुए चला जाता होगा कि फिर से नीट के लिए ड्रॉप कर दिया, फिर से नीट के लिए ड्रॉप कर दिया। दिस शुड बी योर बेस्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, बेस्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट फॉर नीट होना चाहिए ये। कुछ गलतियां आपकी रही होंगी, कुछ गलतियां आपकी नहीं रही होंगी। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ऐसा हो कि 2-3 महीने तबीयत ही खराब रह गई, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, किसी घर में ऐसा होगा कि शादी पड़ गई, किसी के यहाँ ऐसा होगा कि मेंटल उसको प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत सी अलग अलग दुविधाएं होंगी। पर आप अपने कल के बारे में अब परेशान मत हो। आप सुन रहे हो, जो दिन भर आप घुटते हो, दर्द होता है आपको, जो परेशानी होती है कि मेरा पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो बेटा, क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब बदल नहीं सकते हो। अपने बीते हुए कल को लेके बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब नहीं बदल सकते हो। हाँ, अपने आने वाले कल को आप बदल सकते हो। आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, उसको आप बदल सकते हो। और यदि आपके आने वाले कल में सफलता है, तो आपके बीते हुए कल में क्या हुआ ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक बार बेटा आपने नीट निकाल लिया, या एक बार आपने अपना लक्ष्य पा लिया, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, एक बार बेटा आप सफल हो गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके बीते हुए कल में आप क्यों असफल थे। तो अपने बीते हुए कल के ऊपर मिट्टी डालो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो।